Hello students, myself Dr. Sunit from IBPG College Panipat. Today my topic is accounts of holding companies. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों की दो companies बनेंगे, एक holding और एक subsidiary. According to Accounting Standard 21. A subsidiary company is an enterprise that is controlled by another enterprise known as parent. A parent is an enterprise that has one or more subsidiaries. And a group is a parent and all its subsidiaries. So, what is holding company? Holding company is a company which holds another company. Simple, in very simple words, holding company is a company which holds any another company. According to Companies Act 2013, Section 2, Subsection 87, a company can become the holding company by adopting any other one of them. इसका माना कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% वोटिंग राइट्स को एक्वायर कर लेती है या फिर एक कंपनी अगर दूसरी की सब्सिडरी है एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है और वो कंपनी को हम अगर एक्वायर कर लेते हैं तो ये तीन सिचुएशंस बनेंगी जिसको आप लोग होल्डिंग कहेंगे तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तीन सिचुएशंस बनी अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लेती है अगर वो दूसरी कंपनी के 50% वोटिंग राइट को एक्वायर कर लेती है या फिर एक कंपनी दूसरी की होल्डिंग है और उस होल्डिंग को हमने होल्ड कर रखा है तो वो उस होल्डिंग की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी बन जाएगी और हम उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे अब होल्डिंग कंपनी के सिचुएशन में ये कंपलसरी है कि होल्डिंग कंपनीज को जो अपनी बैलेंस शीट बनानी है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है अपनी तो बनाएंगे अपने साथ जितनी भी उनके पास सब्सिडरी कंपनीज होंगी उन सब के भी बैलेंस शीट को कंपाइल करके होल्डिंग कंपनीज को तैयार करना है फॉर्मेट हमें मालूम है जैसा कि आपके स्क्रीन पर अब शो हो रहा है फर्स्ट इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आएंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स हेडिंग के अंडर शेयर कैपिटल और यहां पर शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आएगी सेकंड पॉइंट होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है जैसे जैसे हम इस चैप्टर में हम आगे चलेंगे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मीनिंग बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे सिंपल वे में अगर हम समझें तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस वो पार्ट जिसको हमने एक्वायर नहीं किया है देन रिजर्व एंड सरप्लस की मेन हेडिंग में आएंगे फर्स्ट कैपिटल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के नहीं होल्डिंग कंपनी और इसमें ऐड किया जाएगा कैपिटल रिजर्व रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन जो एक्वायर किया हमने कंपनी मींस हमारी सब्सिडरी कंपनी की और उसमें से डिडक्ट कर देंगे गुडविल अगर कोई है तो बी पार्ट होगा रेवेन्यू रिजर्व्स भी होल्डिंग कंपनी के होंगे और सी पार्ट होगा सरप्लस
और इस सरप्लस में प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, और ऐड करेंगे शेयर इन द रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी, और लेस कर देंगे अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो, वो प्रॉफिट जो भी रियलाइज्ड नहीं हुआ। फिर आएंगी नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें दोनों कंपनीज को होल्डिंग और सब्सिडरीज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। फिर आएगा करंट लायबिलिटीज, इसमें भी होल्डिंग और सब्सिडरीज दोनों में इंक्लूड करेंगे और डिडक्ट कर देंगे अगर कोई म्यूचुअल ओइंग हुई तो। अब ये म्यूचुअल ओइंग्स क्या है इसको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। सेकंड हमारा पार्ट होगा एसेट्स का। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, मेन हेडिंग में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इनटेंजिबल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, और गुडविल ऑल कंपनीज की ऐड कर देंगे गुडविल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन। तो ये जो टोटल गुडविल होगा वो अमाउंट, उसमें से डिडक्ट कर देंगे कैपिटल रिजर्व अगर कोई है तो। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा, और उस इन्वेस्टमेंट में होगा होल्डिंग कंपनी का, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और उसमें ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, फिर करंट एसेट्स, और उसमें से डिडक्ट कर देंगे म्यूचुअल ओइंग और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये कंप्लीट हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा रहेगा। अब इस चैप्टर को हम लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है, बहुत सिंपल। इस चैप्टर में हम पहले ये तीन स्टेप्स को समझेंगे। स्टेप नंबर वन में आएगा प्रेपरेशन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन ओपनिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ ट्रांसफर किया रिजर्व्स में, डिविडेंड में, या टैक्स पे किया वो लिखा जाएगा। क्लोजिंग प्रॉफिट फिट कर देंगे और बैलेंसिंग हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल आएगा। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है तो यहाँ फिट कर देंगे बैलेंसिंग क्लोजिंग प्रॉफिट आ जाएगा, क्लोजिंग भी दिया है तो ओपनिंग आ जाएगा। तो जो मिसिंग होगा वो बींग स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स वो आपको मालूम है, हम वो बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप P&L अप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करना होगा। स्टेप टू, हमको एनालिसिस करना है प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। हम परफॉर्मा को दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट कैपिटल प्रॉफिट्स और सेकंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट्स को पोस्ट एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करने से पहले और एक्वायर करने से बाद। ये जिस्ट है हमारे इस चैप्टर का, कैसे बनाएंगे। ओपनिंग जर्नल रिजर्व ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाता है, पोस्ट में ये नहीं आएगा। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारे इस अकाउंट में यहां पर आया था, इस अकाउंट से ये ओपनिंग P&L यहां ओपनिंग में आएगा, ये भी रेवेन्यू नहीं होगा। और जो एडिशनल प्रॉफिट होगा जो कि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है, ये प्रॉफिट टाइम बेसिस पर बट जाएगा, और टाइम बेसिस पर बांट के हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे। अब ये टाइम बेसिस क्या है, टाइम बेसिस क्या है, टाइम बेसिस है अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करेंगे तो जब तक हमने एक्वायर नहीं किया उससे पहले का टाइम प्री टाइम होगा, और जब एक्वायर कर लिया और उसके बाद का टाइम पोस्ट टाइम होगा। इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से ही, प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवेल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी प्री एक्विजिशन में से आएगा, और प्लस माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन रिवेल्यूड एसेट, और ये पोस्ट में जाएगा।
तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट दो हिस्सों में बट गया, प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। अगर तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है तो हमारा ये प्रॉफिट ये यहीं पर बट जाएगा। कैसे बटेगा, आप इसको हाइड कर लें तो आप ये पॉइंट यहाँ पर समझ लेंगे। ये टोटल प्रॉफिट बटेगा दो हिस्सों में, एक एक्विजिशन पार्ट और दूसरा माइनॉरिटी पार्ट। एक्विजिशन पार्ट, माइनॉरिटी पार्ट। अब इस एक्विजिशन को मैंने हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब है कि ये यहाँ से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाएगा डायरेक्ट। थर्ड स्टेप हम प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये भी उसी तरह से दो हिस्सों में बटेगा, पेड अप कैपिटल एड बोनस इफ एनी, एक्विजिशन पार्ट माइनॉरिटी पार्ट। मैंने ये 80-20 इसलिए करा कि मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि होल्डिंग कंपनी ने 80% एक्वायर कर लिया और 20% एक्वायर नहीं किया। इसमें अगर बोनस है तो ऐड कर लेंगे। कैपिटल प्रॉफिट्स, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, मैंने बोला था इसको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो जो एक्विजिशन पार्ट है वो एक्विजिशन में फिट कर देंगे, जो माइनॉरिटी पार्ट है वो माइनॉरिटी में फिट कर देंगे। इसी तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी है, एक्विजिशन पार्ट फिट करने लगा लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर था ये बैलेंस शीट में गया इसलिए ये यहाँ फिट नहीं किया, और माइनॉरिटी पार्ट को माइनॉरिटी में ऐड कर दिया। तो ये जो टोटल होगा हमारा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा जो हमारी बैलेंस शीट में आया था, और जो एक्विजिशन पार्ट है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारा जो डिफरेंस होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल या वाइस वर्सा ये आ सकता है।